एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत, नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित एचएसएससी स्क्रीनिंग, एचएसएससी ग्रुप डी, 3 डेज डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज, एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने सिरसा, कॉन्टैक्ट 9055-96396 एंड 9055-96496। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम था खैरिका में, और जैसे ही कार्यक्रम जो है समाप्त हुआ, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जो है स्कूल में घुस गए, और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि बड़ा हंगामा है वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में देखने को मिला है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जो है नारेबाजी है वो मुख्यमंत्री के सामने है वो लगाई। उस हालांकि जो है उनको पुलिस की ओर से बाहर है वो
जो है उनको निकाल दिया कार्यक्रम से, तो अभी भी नारेबाजी है उनकी चल रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खैरिका के राजकीय स्कूल की, जहाँ पे आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो है वो समापन कर चुके थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने जोरदार नारेबाजी की है। मैडम, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के नारेबाजी करनी? हाँ जी सर, असी दो अज साढ़े तीन दिन हो गए धरना प्रदर्शन चल रहा, असी पर सरकार दी अखां नहीं खुलियां, असी कोई प्राइवेट मसला आपदा नहीं सीगा, परसनल गल नहीं सी, असी सारी जनता की, गरीब जनता की, मजलूम जनता की गल अगे रखी सी कि जो भी फैमिली आई डी दिक्कत आ रही ने, इनकम वधा रखी है जां पेंशन बंद करती ने, अजकल की है सरकार का खजाना एडा ही खाली हो गया कि अज उन्होंने ढिड से पट्टी बांध दी है। जी क्या कुछ कह रहे थे सर, किसको लेकर प्रदर्शन, नारेबाजी आज की? ये है जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जनसंवाद, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, और हमने 16 तारीख पिछली को एक मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को कि फैमिली आईडी के अंदर बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, जो गरीब लोग हैं उनका राशन बंद कर दिया गया है, और पता नहीं किस कारण से एक गरीब आदमी के घर में एक भैंस भी नहीं है उसको करोड़पति बना दिया, और करोड़पति को उसी फैमिली आईडी से गरीब बना दिया गया। फ्री गरीब आदमियों के जो राशन मिल रहा था वो बंद हो गया, उस पर पद में हमने दो दिन से डीसी ऑफिस में धरना दिया था और चैलेंज दिया था कि हम मुख्यमंत्री के संवाद में जाएंगे, या तो डीसी साहब हमारी बात सुने, उन्होंने नहीं सुनी, हम आए और आके यहाँ रखा, हमें प्रलोभन देते रहे कि आपको मिलवा देंगे, आपको मिलवा देंगे, नहीं मिलवाया, लास्ट में हमें धक्के दिए गए, हमने खिलाफ कर दिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, पर मुख्यमंत्री जी जनसंवाद नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कोई जनता से बात नहीं कर रहे हैं। जो परिवार पहचान पत्र की समस्या थी, एक सरसा के अंदर मामला उठा है 42% कमीशन का, नहीं आया बेटा जी, हाँ नहीं आया, रुपए नहीं बुलाया, कोई काम नहीं, सरकार सरकार है कोई की कह भी नहीं आके तने सिखा के गालेड़ो है, अरे सिखा के के नगाला थे की करो ही कोनी जदे पिकनिक मनाने आया है वो आपका जन जन सरकार, वही समस्या का समाधान है, सरकार बिल्कुल ही नाकाम है, समस्या समाधान नहीं हुआ, कोई कुछ को नहीं हुआ। हाँ तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ जी, आज का जो ये सारा जो हंगामा हुआ उनकी शुरुआत पहले प्रशासन की तरफ से की गई है, हम अपनी जायज मांगे लेके आए थे, भी जो फैमिली पहचान पत्र है उनमें काफ़ी अनियमितताएँ चल रही हैं, सरकार ने ये कहा था कि हम अपना जो ये कैंप लगाएंगे, कैंप के नाम से धोखा किया, उन्होंने कोई कैंप नहीं लगाया, हम उनके मांगों के लिए लेकर आए तो पहले सिक्योरिटी ने ये कहा कि अभी आपको टाइम दिया जाएगा, उन्होंने पौना घंटा बिठा के रखा, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, बाद में उन्होंने बोला भी हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद उन्होंने धक्के मार के हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद नहीं किया, अपने मन की बात उन्होंने लोगों को कह दी, और ये उन्होंने ये भी लोगों ने कहा कि ये जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला उन लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत करने के लिए आए थे, आमजन की शिकायत उन्होंने नहीं सुनी, जो आमजन शिकायत करने के लिए जो खड़े हो रहे थे उनको बैठा दिया गया और ये कहा गया कि आप अपनी शिकायत है वो डीसी को या एसपी के लेवल की है वो एसपी को दे दो, डीसी के लेवल की है वो डीसी को दे दो, और जो मेरे लेवल की है वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं आपको फ़ोन करके उन शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, कि लोग यहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम में पहुँचे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।